अस्सलाम वालेकुम, हुदूद टाइम्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं रिपोर्टर अम्मार। हम आपको बता दें कि काजूपाड़ा के तिवारी चौल में, काजूपाड़ा के घास कंपाउंड के तिवारी चौल में एक जगह है जहां पे अडानी एयरपोर्ट द्वारा कब्ज़ा किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि वहां के रहवासी का ये कहना है कि ये जगह पे कब्ज़ा किया जा रहा है और वहाँ की वो जो जगह है उन लोग ने छपरा डाल के वो जगह को बनाया था कि वहाँ पे कोई प्रोग्राम रखा जाएगा। चौल के जो लोग हैं वहाँ के लोगों का प्रोग्राम रखा जाएगा और उनके घर के सामने थोड़ी सी जगह थी, वहाँ उन लोगों ने अपना पर्सनल टॉयलेट बनाया था क्योंकि उस एरिए में टॉयलेट की भी काफ़ी ज़्यादा समस्या है। तो वहाँ पर अडानी एयरपोर्ट द्वारा तोड़ू कार्रवाई की जाती है। हम आपको बता दें कि वो एयरपोर्ट का कहना ये है अडानी एयरपोर्ट का कि वो जगह हमारी है, बल्कि उनकी बाउंड्री के बाहर की वो जगह वहाँ के रहवासियों का ये कहना। देखिए वहाँ की लेडीज़ ने हमसे बातचीत के दौरान क्या कुछ जानकारी दी है, साथ ही हम आपको ये भी बताते चले जब इसकी खबर स्थानिक एक्स मिनिस्टर एक्स MLA मोहम्मद आरिफ नसीम खान के पास जाती है तो वहाँ का दौरा करते हैं और उसके बाद उनका ये कहना है कि यहाँ किसी की कार्रवाई नहीं होगी। उसके बाद वहाँ पे चले जाते हैं और पुलिस को रोका जाता है कि कार्रवाई ना करने दीजिए। वहाँ पे स्पॉन्सर रखे गए हैं अडानी एयरपोर्ट के, चाहे वहाँ मीडिया जाए, चाहे वहाँ की जो लेडीज़ हैं उनकी, अगर उनको प्रॉपर्टी की फ़ोटो खींचना है तो वो लेडीज़ के साथ प्रॉपर्टी की फ़ोटो खींच के वायरल करते हैं और मिनट मिनट की खबर अपने एयरपोर्ट पर भेजते रहते हैं, चाहे वहाँ मीडिया जाए चाहे कोई भी जाए। अब ऐसे में एक सवाल उठता है कि अवैध रूप से कब्ज़ा किया जा रहा है, इस पे वहाँ की राजनीति क्या कदम होती है काजू पड़ेगी। और चांदेवली के जो एक्स मिनिस्टर हैं मोहम्मद आरिफ नसीम खान, स्थानीय MLA दिलीप मामा लांडे साहब, सब क्या गर्म इस वीडियो के वायरल होने के बाद क्या एक्शन में आते हैं, देखते रहिए हुदूद टाइम्स। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई न्यूज़ के साथ। रिपोर्टर अम्मार। हम लोग 20-30 साल से यहाँ पर रहते हैं। ये एयर इंडिया वाला अपना बाउंड्री मार लिया, 7 साल हो गया उसको मार के। एक जने बोलने दो, हम लोग 20-25 साल से रहते हैं, बरसात में वो सब हम लोग कैसा भी झोपड़े बना के रहते हैं। अभी एयरपोर्ट वाला आया है, पैसा मांग रहा है, ऊपर से पतरा तोड़ रहा है, घरा गिरा रहा है, दादागिरी करता है। इधर अपनी माँ बहन सब बैठे रहते हैं, रात को 4 अपनी घरा में फोटो खिंचाता है। सब हम लोग को बहुत परेशानी हो गई है, हम लोग को बहुत तकलीफ हो गई है, उसके लिए हम लोग को भाई कुछ करना है। अच्छा, यहाँ पर जो आपकी तकलीफें हो रही है, कोई स्थानीय नेता या कोई आया आपको? नेता आया था, आरिफ नसीम खान आए थे, हम लोग का मदद करके गए हैं, बोले तुम लोग बैठो, झोपड़े छोड़ कर मत जाओ, तुम लोग काम ही मत जाओ करके यहाँ पे हम लोग को नेता जी बोल कर गए हैं, हम लोग बैठे हैं। अच्छा, रेलवे की तरफ से क्या क्या परेशानी आप लोगों को होती है? रेलवे की तरफ से एयरपोर्ट है, रेलवे नहीं, एयरपोर्ट है। इधर एयरपोर्ट से इन लोग आते हैं, पत्थर भी मारते हैं, रात भर फोटो भी खींचते हैं, बहुत परेशान कर रख डाले हम लोग को। जीना प्रॉपर्टी एयरपोर्ट की है? हाँ, सब एयरपोर्ट की है। 20 साल के पहले ये बाउंड्री मार को गए हैं, ये प्राइवेट लोग आए हैं, क्या नाम है, अडवाणी आया है, वो बोलता है कि भले सब खाली करो, बहुत तकलीफ दे कर जा रहा है हम लोग को, दिन रात परेशान है। 10 दिन से एकदम हम लोग के पीछे हाथ धोकर अडवाणी पड़ा है। अच्छा, ये जो कार्रवाई जब एयरपोर्ट वाले ने किया था, कोई नोटिस या कोई कुछ भी नहीं? नोटिस नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। अचानक रात के टाइम पे आया, शाम के 5 बजे तक तोड़ दिया, फिर दूसरे दिन आया 12 बजे आएगा, इधर देखेगा, घर गिराने लगेगा, झोपड़े तोड़ा दिए, पतरा मारेंगे, दरवाजे के सामने पतरा मारेंगे। हाँ, रात को 5 बजे तोड़ के भाग गए इन लोग सब, तो गिरा बुरा के। अच्छा, कभी दिन में 1 बजे आते हैं, कभी 2 बजे आएंगे, रात में भी फोटो खींच को जाते हैं, घर में घुस घुस को परेशान हो गए हम लोग। अच्छा खाली, ये अभी थोड़ा सा आगे जो है एयरपोर्ट वालों के सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए हैं, लोगों से ऐसी क्या तकलीफ है? इन लोग 4-5 जने 10-10 जने आते हैं रात के टाइम पे, इधर फोटो पे हम लोग के छोटे छोटे झोपड़े हैं, छोटे छोटे झोपड़ा में सब लेडीज बाहर बैठती है, बच्चे बाहर बैठते हैं, सब बैठते तो वो जबरदस्ती फोटो पे खींचते हैं, बहुत परेशान कर दिए। और क्या बोलेंगे खाला इस तकलीफ को? अब क्या तकलीफ है, हम लोग जीते खाते थे, उसका ऐसा थोड़ा सा प्लास्टिक डाले थे, आके उजार दिए, बोले मेरा जगह है, मैं कंपनी के बाजू मेरा अंतर है, कुछ भी नहीं, ऐसा झोपड़ा डाल के अपना ऐसे करते खाते थे, चिंदी उन्दी रखते अपना जीता खाते थे हम लोग।
अच्छा यहाँ पर शौचालय जो है एक है, कई लोग बोले कि यहाँ पे वो पर्सनल शौचालय भी बनाए उनका, नहीं नहीं कुछ नहीं आगे तोड़ दिए हम लोग को। शौचालय को इतना लंबा जाना, देखो मैदान में कम से कम आधा किलोमीटर जाना है, रात का टाइम पर अपनी बहन भाई बेटी कैसे में कम से कम आधा किलोमीटर जाना है, रात का टाइम पर अपनी बहन भाई बेटी कैसे जाएंगी रात का टाइम पे, उसके लिए अपना अपना घर के सामने थोड़ा पार्टीशन के बाजू में बाथरूम बनाए थे, नहाने के लिए बना लिए थे, वो भी तोड़ कर फेंक दिए। अभी रात का टाइम यहाँ से वहाँ तक इतना लंबा हम लोग कहाँ जाएंगे। एयरपोर्ट वाले से आप क्या विनती करेंगे, क्या अपील करेंगे? एयरपोर्ट वाले से भी विनती करेंगे, उसका पत्र सीधा करके जाने दे, हम लोग के झोपड़े कैसा है कि वैसे रहने दो, हमको कोई तकलीफ नहीं ना, हम लोग को तकलीफ नहीं देना, हम लोग को तकलीफ दिए हम लोग को पूरी लेडीज यहाँ का जनाजा उठाएंगे, उसके पत्र के अंदर हम लोग गएंगे, हम लोग को भी उसकी बाउंड्री के अंदर कुछ भी कर लेंगे, बाउंड्री के अंदर पीछे आएगा तो वो तो जिंदा रहेगा ना, तो हम लोग तो जिंदा रहेंगे। हाँ चाहे अडवाणी हो कोई चीफ मिनिस्टर हो।